आज पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चों को चाइल्ड लेबर बनाया जा रहा है और सबसे ज्यादा बच्चे तो इंडिया में चाइल्ड लेबर का शिकार है। लगभग 3.5 करोड़ बच्चे जिनका शोषण किया जा रहा है। आपकी नजर में वो दूसरों के बच्चे हैं, कल आपके भी हो सकते हैं। बिल्कुल, क्या यही चाहते हो आप? नहीं ना, नहीं चाहते तो सुनो। रोड पे जो दिख रहे वो कल किसी के लाल थे, चोरी से उठाया उनको रोड पे हो पालते। कोई मांग रहा भीख, कोई दिखा रहा खेल, देख कर ये मन में मेरे आए कई सवाल थे। रेस्टोरों में कपड़ा मार रहा छोटू कल ना था, गुलामी में थे जी रहे देश जब सफल ना था। गुलाम अब हम नहीं, गुलाम आज सोच है। बच्चों को तुम बेचते क्या, तुम पे वो अब बोझ है। बच्चों को बनाते अंधा, लो भी तो अंधा है। गलती ना तुम्हारी, कोई सिस्टम ही तो गंदा है। बच्चों के तुम अंग काट कर मंगाते भीख हो, इंसानियत खत्म यही तुम्हारा धंधा है। अपनी बच्ची को तुम पालते हो रानी जैसे, फिर बाल शोषण करने निकल जाते हो तुम कैसे। 6 महीने की वो बच्ची भी किसी की बेटी थी, रेप किया उसका फिर गले पे फेरी रेती थी। सिग्नल पे खड़ा बच्चा बोझ लेके रद्दी का, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा मजा ले रे गद्दी का। खेलने की उम्र में वो बच्ची माँ बन गई, और ये घिनौना काम करके छाती तेरी तन गई। हाँ बन गई वो वैश्या, पैदाइशी वो थी नहीं, घर छोटा उसका खुवाइश रही नहीं। टूट कर वो आज तन रह गई है राहों पर, होगा उसका क्या अब कोई जानता नहीं। पूरे एशिया में हर साल लाखों बच्चों की तस्करी की जाती है। 90% बाल तस्करी में लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और बाल मजदूरी जैसा काम जबरन कराया जाता है। और हैरानी की बात तो यह है कि हमारे देश में बाल तस्करी को रोकने के लिए, पता है क्या, हंसोगे तुम, हम कुछ करते ही नहीं है। 40 साल से वो काम कर रहा भलाई का, बंद करो नाप लेना बच्ची की कलाई का। लड़की वो पराई है तो लड़की तेरे घर में भी, सीखो जाकर उससे नाम कैलाश सत्यार्थी। जिंदगी बिता दी करता है समाज सेवा, तुम शादियों में खाते रह गए फ्री का मेवा। कब से बच्चों का वो उठा रहा बोझ कंधों पर, सबका ध्यान आज भी है अपने अपने धंधों पर। उसको मिला नोबल पीस प्राइज अपने काम से, तुम चलते फुकते रह गए दूसरों के नाम से। बच्चों की तस्करियां होती है आराम से, तुमने किया कुछ नहीं जीते हो गुमनाम। उसने 9 महीने कोक में था पाला, सोचो उस माँ के अरमानों को वैशी बन के ना तुम नोचो। अपने लालच में करते लड़की नीलाम हो, और अपने घर की लड़की को तुम देते सम्मान हो। भाई ऐसे ना चलेगा, कुछ तो तुमको भी है करना। अच्छा नहीं होता डर डर के रोज मरना, कब तक बहाओगे तुम आंसुओं का झरना। यार बाहर निकलो घर से, चलो साथ देंगे धरना। बच्चों के अधिकारों को लेकर लड़ने के लिए सभी को सर कैलाश सत्यार्थी जैसा बनने की जरूरत है। तक कानून बनने चाहिए, सबको जागरूक होने की जरूरत है। हम शुरुआत कर चुके हैं, अब आपकी बारी है।